आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे भूकंप आने की पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं। हमारे सनातन धर्म में पृथ्वी को माता की उपाधि दी गई है तथा उनको धरती माता के रूप में पूजा जाता है। पुराणों में पृथ्वी को मंगल ग्रह की माता बतलाया गया है, जिसके संबंध में एक कथा भी दी गई है। पौराणिक कथाओं में पृथ्वी को देवी के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसे धरती माता कहा गया है। मतलब पृथ्वी को मंगल ग्रह की माता के रूप में जाना जाता है। अब जो कथा हम आपको बताते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को समुद्र तल में पहुंचा दिया। एक बार पृथ्वी को समुद्र तल से निकालने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को इस प्रकार स्थापित किया जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हो सके। पृथ्वी की प्रार्थना पर वराह भगवान कुछ समय तक पृथ्वी के साथ रहे और वराह भगवान से पृथ्वी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो मंगल ग्रह कहलाया। क्या कहलाया? मंगल ग्रह कहलाया। अब आगे ये तो सुनिए। पृथ्वी के अनुरोध पर वराह भगवान ने कुछ वर्षों तक पृथ्वी के साथ समय बिताया और जब पुत्र हो गया और वो आगे चलकर मंगल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही क्रोधी और विनाशकारी ग्रह बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह का क्रोधी स्वभाव ही पृथ्वी में भूकंप और अन्य आपदाओं का कारण है। यानी कि जब वे गुस्से में होते हैं तो भूकंप, सुनामी और भूस्खलन आदि जैसी आपदाएं जो हैं वो पृथ्वी पर आती है और इन सब आपदाओं का सामना पृथ्वी को करना पड़ता है। मतलब मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से भूकंप, आगजनी और कई तरह की तबाहियां आती हैं। एक और भी कारण है, पौराणिक कारण ही है। भूकंप आने के कारण मंगल ग्रह नहीं बल्कि शेषनाग है। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन में हमारी जो दादी थी, हमारी जो बड़ी चाची होती थी, माँ होती थी, वो कहानी सुनाती थी कि शेषनाग के सर के ऊपर हमारी पृथ्वी विराजमान है। शेषनाग समस्त नागों के राजा हैं तथा भगवान विष्णु उनको अपने सैया बनाकर उनके ऊपर आराम करते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार शेषनाग ने पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर उठाया हुआ है, यानी पृथ्वी शेषनाग के सर पर टिकी हुई है। तो जब कभी भी शेषनाग करवट लेने के लिए हिलते डुलते हैं तो उनके हिलने के कारण ही पृथ्वी में भूकंप आता है। जब पृथ्वी पर अत्यधिक पाप होने लगता है तो पृथ्वी में से पाप का बोझ कम करने के लिए व लोगों को चेतावनी देने के लिए शेषनाग को करवट लेना पड़ता है ताकि लोग अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग चुने। वास्तुशास्त्र के अनुसार पृथ्वी का भार शेषनाग और भगवान विष्णु के कश्यप अवतार, कछुआ अवतार जो लिए थे, उसके ऊपर टिका हुआ है। यही कारण है कि जब नए घर का निर्माण किया जाता है तो उसकी नींव रखने के समय कछुआ या शेषनाग की चांदी की आकृति जमीन में रखी जाती है ताकि घर लंबे समय तक अडिग रह सके। तो ये हमारी धार्मिक मान्यता है, हमारे देश की मान्यता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।